तो दोस्तों मैं हूँ आपका उत्साह, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Ntorq 125 ड्रम वेरिएंट की मैं बात करता हूँ, वहीं पे होंडा डियो स्मार्ट। यहाँ पे आप दोनों स्कूटीज़ के अंदर 20,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। यहाँ पे जो है हम लोगों ने प्राइस को सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा है कि दोनों स्कूटी को सेम प्राइस को लाने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो Ntorq का जो ड्रम वेरिएंट का जो ऑप्शन है, जो मतलब जो किया है हमारा Ntorq ड्रम वेरिएंट वाला, यानी ये जो है ये सबसे फर्स्ट वेरिएंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है होंडा डियो का टॉप वेरिएंट जो है जो कि स्मार्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों का ही कंपेयर करते हैं हम लोग, तो दोनों स्कूटीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या हमें Ntorq का बिल्कुल लोअर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर हमें होंडा डियो का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात कर जाए तो दोस्तों इसका जो एक्चुअल प्राइस है Ntorq का वो पड़ेगा 84,636 रुपीज़ का। वहीं पर मैं होंडा डियो की बात करूँ जो कि टॉप वेरिएंट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दें, ये आपको एक्चुअल प्राइस पड़ेगी 77,712 रुपीज़ की। तो ये है इसका टॉप वेरिएंट। तो दोनों स्कूटीज़ के डियो टॉप वेरिएंट है, Ntorq आपकी लो वेरिएंट वाली है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो दोनों स्कूटीज़ के अंदर आप लोगों को जो फ़र्क पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 13,000 रुपये का। तो क्या हमें 13,000 रुपये ज़्यादा देके Ntorq का लोअर वेरिएंट लेना चाहिए या फिर हमें 13,000 रुपये कम देके डियो का टॉप वेरिएंट लेना चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो Ntorq के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड FI वाला आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो मिलेगी वो मिलेगी 9.38 PS एट द रेट 7,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 10.5 Nm एट द रेट 5,500 RPM। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। वहीं पे होंडा डियो की बात करो तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 109.51 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SI इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 7.85 PS एट द रेट 8,000 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकलकर 9.3 Nm एट द रेट 5,250 RPM पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए ना Ntorq का जो इंजन है वो आपको 25 cc बड़ा मिलने वाला है। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो यहाँ पे 2 PS की पावर Ntorq में ज़्यादा मिलेगी, और यहीं पे टॉर्क की बात करी जाए तो 1.2 Nm का जो टॉर्क है वो आपको Ntorq में ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 13,000 ज़्यादा देके हम लोगों को इंजन जो है Ntorq का पावरफुल इंजन यहाँ पे मिल जाएगा। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों स्कूटर होने वाली है, बेल ड्राइव आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। Ntorq के अंदर आपको 3 वॉल का इंजन मिलेगा, वहीं पे होंडा ड्यू में आपको 2 वॉल का इंजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंजन के मुकाबले सारी चीज़ों को जैसे हमने कंपेयर करा है तो इसके मुकाबले आपको जो पावरफुल इंजन जो है वो आपको Ntorq में मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्कूटर्स के अंदर आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलता है, फ्रंट में भी ड्रम और रियल में भी ड्रम ब्रेक ही मिलता है, और दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको CVS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। यानी आप रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट ब्रेक ही आपका ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जो है वो ये है कि Ntorq के अंदर आप लोगों को जो टायर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 110/18 का आपको रियल टायर मिलेगा विद 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे होंडा डियो की बात करो तो इसके अंदर आपको फ्रंट टायर जो मिलेगा वो मिलेगा 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 12 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 100/90 का रियल टायर मिल जाएगा, सॉरी 100/80 का रियल टायर मिल जाएगा विद 10 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे जो आपको टायर्स जो बेहतरीन मिलने वाले हैं वो आपको Ntorq में बेहतरीन मिलेंगे, यानी आप Ntorq से कॉर्नरिंग वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्सनली मुझे Ntorq के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि डियो जो है ये आपको अलॉय व्हील्स में रिम में मिलती है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट आपको Ntorq में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ट्यूबलेस टायर आपको जो है वो आपको Ntorq में मिलेगा, लेकिन ट्यूब वाला टायर आपको डियो में मिल जाएगा। रेडियल टायर आप रेडियल टायर भी अगर देखा जाए तो Ntorq में आपको रेडियल टायर मिल जाएगा, और अलॉय व्हील्स आपको जो है वो आपको Ntorq में अलॉय व्हील्स मिलेगा, और डियो में आपको स्टील रिम मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो डायमेंशन के बारे में, तो व्हील बेस की बात करी जाए तो Ntorq की तो वो मिलेगी 1285 mm का व्हील बेस आपको Ntorq में मिलेगा, और ड्यू के अंदर आपको 1260 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों Ntorq का जो व्हील बेस है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1861 mm का लेंथ आपको Ntorq में मिलेगा, और वहीं पे ड्यू के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगा वो मिलेगा 1808 mm का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको Ntorq में लेंथ जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी।
यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड गेस की बात करी जाए तो 155 का ग्राउंड गेस आपको एडटॉक में मिलेगा और वहीं पे 160 का ग्राउंड गेस आपको हॉन्टेड ड्यू में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो 5 ज़्यादा जो है वो आपको ड्यू में मिलेगा। तो इससे क्या है, आप लोग ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए स्कूटर्स कोई लेना चाहते हो तो आप ड्यू से काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं हाइट की बात करूँ तो एडटॉक के अंदर जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1164 की हाइट आपको एडटॉक में मिलेगी। वहीं पे होंडा ड्यू के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1150 की हाइट मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितनी भी चीज़ें मैंने अब तक बताई है ना, तो दोस्तों यहाँ पे ना सब चीज़ों को जहाँ जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सिर्फ ग्राउंड केस ही आपको ड्यूरो में ज़्यादा मिल रही है, ड्यू में ज़्यादा मिल रही है और बाकी सारी चीज़ें वो आपको एडटॉक में ज़्यादा मिली है। तो एडटॉक का यहाँ पे प्लस पॉइंट है, तो 13,000 ज़्यादा देने का फ़ायदा बनता है। यहाँ पे अगर मैं पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आपको एडटॉक के अंदर आपको 5.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिलेगा और ड्यू के अंदर आपको 5.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए ना तो आपको एडटॉक में पेट्रोल तो पहले उससे पहले बात कर लेते हैं दोनों स्कूटर्स में से आप 2 लीटर माइनस कर दो बिकॉज ऑफ FI। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपका एडटॉक में मिलेगा, वहीं पे 3.3 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको ड्यू में मिल जाएगा। यानी 500 ml जो पेट्रोल है ना वो आपका एडटॉक में ज़्यादा आएगा। तो पेट्रोल के मुकाबले में देखा जाए तो हमारी एडटॉक विन करती है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एडटॉक का जो कर्वेट है वो आपको 118 kg का कर्वेट मिल जाएगा, यहीं पे ड्यू के अंदर आपको 103 kg का कर्वेट मिलेगा। तो कर्वेट के मुकाबले में ना भाई एडटॉक जो है ना वो अपनी विन करती है। तो अगर मैं एडटॉक की माइलेज की बात करूँ तो देखो एडटॉक पर्सनली मेरे पास भी है, तो एडटॉक जो हमें माइलेज निकाल के देती है भाई वो मुझे 48 का माइलेज निकाल के देती है। खैर मैं इको स्पीड पे ही काफ़ी ज़्यादा स्कूटर्स को अपना चलाता हूँ, स्कूटर्स बाइक वगैरह को, तो इसलिए मुझे 48 का माइलेज एडटॉक निकाल के दे देती है। और अगर मैं ड्यू के माइलेज की बात करूँ तो ड्यू के अंदर जो इसमें जो इंजन मिलता है ना दोस्तों, ये सेम आपको वही इंजन मिलता है जो आपको एक्टिवा में इंजन मिलता है। तो एक्टिवा का जो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो एक्टिवा आराम से 54 तक का माइलेज निकाल के दे देती है। तो आप ये मान के चलो कि ड्यू भी आपको आराम से 54 का ही माइलेज निकाल के दे देगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर माइलेज के अकॉर्डिंग कोई स्कूटर देख रहे हो ना तो ये आपको ड्यू बेस्ट रहने वाला है। LED टेल लाइट आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाएगी। फ्रंट की अगर मैं ड्रम ब्रेक की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 130 mm का फ्रंट ड्रम ब्रेक मिलेगा और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो भी आपको दोस्तों 130 mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको दोनों ही स्कूटर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि ब्रेकिंग आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है, कोई ब्रेकिंग में कोई फ़र्क वगैरह आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए कि भाई अब आ गए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में, देखते क्या इस बार ड्यू आगे जाती है, ड्यू जाती है या नहीं जाती, क्योंकि एडटॉक हमेशा बाजी मार जाती है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करी जाए तो एडटॉक के अंदर आपको 3 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं जिसके अंदर आप लोगों को, देखो पर्सनली मैं तो इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, तीनों के तीनों को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ, ठीक है, 3 ट्रिप मीटर्स को, जिसमें से पहला जो मैं यूज़ करता हूँ वो अपना नॉर्मली जो होता है मैं सर्विस का यूज़ करता हूँ, दूसरा जो होता है कि दूसरे इस ट्रिप को मैं वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ पे मुझे कितना माइलेज मेरी जो स्कूटर है वो देते हैं, और तीसरा मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे मैं कहीं लॉन्ग टूर वगैरह करता हूँ, मतलब लंबा जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने कितने किलोमीटर अपने स्कूटर को चलाया। तो पर्सनली देखा जाए ना, देखो बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइड लॉन्ग टूर वगैरह करने के लिए बहुत काम की चीज़ है 3 ट्रिप मीटर। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे आप लोगों को इको और पावर मोड जो है वो आपको मिल जाएगा, जैसे आप अपने स्कूटर को इको मोड पे चलाओगे तो आपकी ग्रीन कलर की लाइट जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी और पावर मोड पे चलाओगे तो रेड कलर की लाइट चलेगी। तो इसका हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हम पावर मोड पे जा रहे हैं या इको मोड पे चला रहे हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा अपने स्कूटर को इको ही मोड पे चलाओ, क्योंकि आप काफ़ी आराम से उसे संभाल भी सकते हो और आपका माइलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहेगा, काफ़ी इंक्रीज आपको माइलेज मिल जाएगा। लेकिन पावर मोड पे चलाओगे तो पावर आपको तगड़ी मिलेगी लेकिन माइलेज आपका बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि किस तरीके से आपको इस मोटरसाइकिल को राइड स्कूटर को राइड करना है। फुल्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल जो है वो आपको एडटॉक में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लैप्स आपको मिलेंगे, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ये चीज़ जो है ना मुझे अपनी जो मेरे पास वो है ना रोडियो उसकी याद दिलाती है। तो खैर मेरे पास एडटॉक भी है तो ये इसके अंदर क्या है आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी, जैसे आप लैप वगैरह में कहीं ट्रैक वगैरह में चला रहे हो तो लैप 1 लैप 2 जो कम्प्लीटेड है ना वो इसमें आ जाता है। तो ये चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ तो वेलकम मैसेज आता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एडटॉक के अंदर कि पर्सनली अपनी वाली फीलिंग आती है। जब मेरे इसमें लिखा होता है ना, मैंने अपना नाम लिख के रखा उसमें राहुल, तो जब मैं कहता हूँ हाय राहुल सिंह तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई पर्सनली अपने वाली फील आती है एडटॉक के अंदर तो मुझे खासतौर से। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो इंजन टेम्परेचर हमारा जो एडटॉक है वो बता देता है, देखो छोटी छोटी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, एडटॉक के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ये लेकिन बहुत काम की चीज़ है। वो कह रहे हैं ना बूंद बूंद से ही TVS वालों ने घड़ा भर लिया अपना, एक एक चीज़ को दे रखा है।
यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिसमें आपकी कॉल हो गई, कोई मैसेज हो गया, या कोई आपके पास कॉल आ गया, मैसेज आ गया, आपके मोबाइल के नेटवर्क या आपके मोबाइल में कितने परसेंट बैटरी है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो एनटॉक का जो मीटर है वो आप लोगों को बता देगा। लास्ट पार्किंग लोकेशन जो है वो भी आपको एनटॉक का मीटर बता देगा। वहीं पे ऑटो रिप्लाई आपको मिल जाएगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई कॉल वगैरह कट करते हो, अपने स्कूटर से कट करते हो, तो वो क्या ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ भाई इसका मैसेज आया है या सॉरी इसकी कॉल आई और किस वजह से हम कॉल पिक नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे बटन दबाओगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा। वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, जैसे अपने नेक बैंड यूज़ कर रखा है तो आप अपने माइक पर कोई भी कमांड देते हो तो वो सारी जो कमांड है वो आपके मीटर के अंदर शो हो जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे खास चीज़ जो है इसके अंदर एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो काफ़ी आपको बेहतरीन मिलेगा। और यहाँ पे आप लोगों का फ्यूल रिजर्व, जब जैसे आपकी जो एनटॉक है स्कूटर है वो आपका रिजर्व पे जाएगा तो वहाँ पे लाइट ब्रेक हो जाएगी। इसका आपका बेनिफिट क्या होगा, इससे आपकी FI की जो मोटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगी। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं ड्यू के बारे में। तो ड्यू के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहली जो चीज़ मिलेगी वो आपको स्मार्ट की मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा फ्रंट में आपको पॉकेट मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर तो स्मार्ट स्विच मिल जाएगा, यानी फ्रंट में ही आपको एक स्विच मिलेगा जिससे आपके बूट वगैरह ओपन कर सकते हो। माइल्ड फर्स्ट लाइट मिल जाएगी, यानी इंजन में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो वो लाइट आपकी ब्लिंक कर जाएगी, ये चीज़ भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्प्लिट ग्रैब रेल मिलेगी, यानी ग्रैब रेल देखा जाए तो स्पोर्टी ग्रैब रेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ESP आपको टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। साइलेंटली स्टार्ट मिल जाएगी, ACG आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, यानी आपका जो स्कूटर काफ़ी साइलेंटली आपका स्कूटर जो है वो स्टार्ट होगा। स्मार्ट और साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको स्मार्ट की इंडिकेटर भी मिल जाएगा। यानी ये चीज़ जो है देखो ऐसा है कि जिस तरीके से होंडा ने काम करा है ना इस स्कूटर में, तो उस हिसाब से ना देखो सही है, जिस प्राइस रेंज पे ये स्कूटर हमें मिल रहा है तो उस हिसाब से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो कंपनी ने इसके अंदर देख रखा है। क्योंकि देखो यार 77,000 रुपीज़ का ये स्कूटर है, तो उस हिसाब से ना काफ़ी अच्छी चीज़ें कंपनी ने इसमें दी है, मतलब जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है ना उस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें इस स्कूटर में मिल। LED टेल लाइट आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगी। USB पोर्ट जो है वो आपको एनटॉक में मिल जाएगा। यहीं पे किक स्टार्ट जो है वो आपको किक और सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों स्कूटर में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको, स्पीडोमीटर है वो आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल में मिल जाएगा। लो बैटरी इंडिकेटर आपको दोनों स्कूटर्स बता देगा, लो ऑयल इंडिकेटर भी आपको दोनों स्कूटर्स के अंदर मिल जाएगा। कैरी हुक आपको एनटॉक में मिलेगा। यहीं पे अगर मैं देखी जाए तो 20 लीटर्स का बूट स्पेस जो है, अंडर सीट स्टोरेज जो है वो आपको एनटॉक में मिलेगा, और यहीं पे ही 20 लीटर्स का भी आपको ड्यू में मिल जाएगा। एयर कूल इंजन दोनों स्कूटर्स है, ठीक है। और नेविगेशन आपको एनटॉक में मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों देखो कीलेस इग्निशन जो है वो आपको ड्यू में मिल जाएगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इन दोनों स्कूटर में कौन सा स्कूटर जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो दोस्तों देखो अगर आप लोगों को एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो आप लोग चाहते हो कि हमें इंजन काफ़ी अच्छा चाहिए, माइलेज हमें काफ़ी अच्छा चाहिए और स्पोर्टी लुक वाला हमें एक स्कूटर चाहिए, ठीक है, हमें जो है थोड़ा इलेक्ट्रिकल फीचर्स हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे ना भाई ड्यू आप लोगों के लिए बना है। ड्यू का माइलेज भी काफ़ी अच्छा है, बाकी लुक वगैरह तो खैर ड्यू का भाई स्टार्टिंग से जब से ड्यू आ रहा है तो ड्यू के लुक्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो यहाँ पे ड्यू उन लोगों को पसंद आएगी। लेकिन एनटॉक उन लोगों को पसंद आएगी जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें क्या है एक अच्छा इंजन चाहिए, ठीक है, मतलब हमें चाहिए एक ऐसा इंजन जो पावर निकाले, पावरफुल हमें इंजन चाहिए स्कूटर्स के मुकाबले में। दूसरा क्या है कि थोड़ा सा हम लोग माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, जैसे मैंने बताया था 48 का माइलेज दे रही है तो 48 का माइलेज तो खैर सही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हमें पावर चाहिए, हमें चाहिए लुक चाहिए, देखने में स्कूटर काफ़ी अच्छा लगता है एनटॉक जो है, और वहाँ पे साथ के साथ में क्या हमें इलेक्ट्रिकल फीचर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या उन लोगों के लिए एनटॉक बना है। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे पूछेगा कि मैं अगर प्राइस रेंज में कौन सा स्कूटर लूँ तो दोस्तों मैं तो सीधा एनटॉक की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि एनटॉक के अंदर मुझे इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के बाद 2-4 प्रोडक्ट्स अभी से बड़े फायदा कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाय।